अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे ये बंदना चीज़ एक नेवल के साथ आपकी ख़िदमत में हाजिर है सुबह का टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह सूरज अभी अभी तलू हो रहा है हमारे प्यारे गांव में सारी रात बारिश होती रही और तेज़ आंधी भी थी बारिश के बाद हमारे प्यारे गांव का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत हो गया है सारी रात बारिश की वजह से आप देख रहे हैं जो हमारी पक्की सड़क है उसका जो ये किनारा है क्योंकि किनारे तो कच्चे होते हैं पूरी जो मट्टी है वो उस ज़मीन की तरफ बह गई है अगर गंदम की फसल की बात की जाए तो हमारे प्यारे गांव में तकरीबन सारी गंदम की फसल उठा ली गई है सिर्फ कुछ खेत बाकी हैं गांव की बैठक के बिल्कुल साथ ही हमारे ये प्यारे अंकल की ज़मीन है इन्होंने ज़रा गंदम देर से काश्त की थी कल ही इन्होंने ये वैपर मशीन से गंदम अपनी कटवाई थी मगर रात को बारिश आ गई अब दो से तीन दिन लगेंगे ये इनशाला गंदम सूख जाएगी फिर इनशाला इसकी गठड़ियाँ बनाई जाएंगी हमारे प्यारे अंकल के खेत के बिल्कुल साथ ही आप देख रहे हैं कि रोड के साइड पे बहुत बड़ा गड़ा बारिश की वजह से पड़ गया है मसला यह है कि हम चीज़ें तो बनाते हैं मगर बाद में इनकी हिफाजत नहीं करते अगर बारिश की निकासी का इंतज़ाम होता तो ये मसला ना होता मिट्टी सारी आप देख रहे हैं कि खेत की तरफ बह गई है दोस्तों अगर बारिशें अपने टाइम पर हों अच्छे वक्त पर हों यानी कि बंदे की फसल तैयार ना हो तो ये रहमत है अगर फसल तैयार हो बारिश हो जाए आप देख रहे हैं यहाँ पे भी गंदम इकट्ठी है तो ये बारिश रहमत की बजाय इंसान को जहमत लगती है खैर अब हम गांव की बैठक वाली जगह पे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे अंकल ने पुल गांव की जो टूटी हुई थी वो बनवा दी है अब कुछ ही टाइम बाद जी अच्छी तरह सूख जाएगी फिर इंशाल्लाह इस पर ट्रैफिक आएगी और जाएगी बारिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गांव की बैठक बड़ी ही प्यारी दिखाई दे रही है मगर बरगद के जो पेड़ है उसके पत्ते सारे नीचे गिर गए हैं और ये पेड़ बहुत ही खूबसूरत हो गया है धुल गया है गांव की बड़ी मस्जिद में एक बड़ा सायादार दर्दरख्त था मगर उसकी एक बहुत बड़ी टहनी आप देख रहे हैं कि टूट कर गिर गई है बकरियाँ सुबह सुबह आ गई हैं और ये पत्ते बड़े ही मज़े से खा रही हैं बैठक में फिलहाल कोई नहीं है एक हमारा छोटा प्यारा भाई बस अपनी बकरियाँ चरा रहा है ये जो दरख्त है इसकी बहुत बड़ी टहनी टूटी है दोस्तों ये वाली जो बकरियां हैं ना वो जो सामने वाला घर है वहाँ की हैं। हमारा छोटा भाई अपनी बकरियाँ भी अब लेकर आ गए हैं ताकि ये बकरियां ये वाले पत्ते मजे से खा सके सारी रात बाड़े में कैद होकर अब बकरियाँ बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं गांव की बैठक में एक मौलाना साहब आए हुए हैं वो रात को इधर ही थे और अब वो कुरान पाक की तलावत कर रहे हैं उनकी आवाज़ बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत सुनाई दे रही है सुबह का टाइम है दोस्तों पत्ते खाने की बजाय हमारी ये बकरियां आपस में लड़ रही हैं लड़ाई अच्छी बात नहीं है इन्हें हमें छुड़ाना चाहिए बकरियों ने पत्ते खा लिए हैं अब हमारे ये भाई और मेरा जो छोटा भाई है इन बकरियों को जरा आगे लेकर जा रहे हैं ये हमारे ब्यूपारी भाई हैं एक बकरी ये खरीद कर मंडी की तरफ जा रहे हैं हमारे इस भाई को डॉगी का बहुत ज्यादा शौक है इसीलिए इन्होंने छोटे छुट छोटे आप देख रहे हैं दो डॉगी रखी हुई हैं खैर अब हम चलेंगे सीधा अपने घर की तरफ हमारा प्यारा भाई भी अब बकरियों की तरफ जा रहा है और ये बकरा भी उधर ही जा रहा है ये बकरा बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत है खैर अब हम चलेंगे सीधा अपने घर की तरफ बरगद का पेड़ बारिश की वजह से ढुल गया है हमारी कजन की दुकान फिलहाल बंद है सुबह सवेरे मेरा जहां तक अंदाजा है कि वो मंडी चले जाते हैं सब्जी मंडी चीने खरीदने के लिए कजन की दुकान के बिल्कुल साथ ही एक कनाल जमीन खाली है आप देख रहे हैं ये पानी से फुल हो गई है क्योंकि घरों का जो पानी है वो सीधा इस कनाल की तरफ आ जाता है ये वाला घर और ये वाला घर हमारे प्यारे अंकल का है और इनका ये कुत्ता बड़ा ही डेंजरस और ख़तरनाक है रात के वक्त ये खुला रहता है और सुबह सवेरे इसे बांध देते हैं जंजीर इसके गले में है और अब कुछ ही देर बाद इसे बांध देंगे गांव की कच्ची सड़क पे आप देख रहे हैं कि बारिश का पानी खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम बिल्कुल आप देख रहे हैं कि साफ़ है आसमान यानि कि साफ़ है धूप निकलेगी तो फिर इंशाल्लाह ये सारा पानी सूख जाएगा इस जगह पे हमारे गांव के एक व्यापारी भाईजन का ये घर है वो शीशम के दरख्तों के तले अपने जानवर बांधते हैं मैंने आपको कई व्लॉग में दिखाया होगा मगर यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बारिश का पानी खड़ा हुआ है खैर अब हम आगे की तरफ चलेंगे गाँव में दोस्तों सुबह का माहौल बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत होता है हर तरफ़ खामोशी होती है सिर्फ़ परिंदों की चहचहाट की प्यारी और सुरीली आवाज़ें होती हैं बारिश की वजह से हमारे जो घर की दीवारें हैं आप देख रहे हैं उन पे भी साफ़ पानी दिखाई दे रहा है पानी ज़्यादा सूख गया है आप देख रहे हैं कि ज़्यादा पानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर गर अब करीब आ गया है यहाँ पे भी थोड़ा सा गारा है बारिश का जो पानी था वो खाल में चला गया है जानवर का बाड़ा और घर के साथ जो एक कनाल जमीन है इसमें आप देख रहे हैं कि बारिश का पानी जमा हो गया है ओवरऑल अलहमदुल्ल बारिश के बाद हमारे घर के जो साथ का माहौल है वो बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा है अपने प्यारे घर और जानवरों के बाड़े से होते हुए अब हम इस तरफ आ गए हैं ये जो कच्ची सड़क है ये गांव के बिल्कुल दरमियान में जाती है हमारे एक भाई की गंदम की फसल फ़िलहाल खड़ी हुई है अगर फसल ऐसे खड़ी हुई है तो बारिश की वजह से इसे नुकसान नहीं होता हाँ अगर ये कटी हुई हो गंदम या तो फिर इकट्ठी हो तो इसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ये हमारे अंकल की बरसीम की घास है जो कि अब ये भी तकरीबन ख़त्म होने वाली है सड़क पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी खड़ा हुआ है ओवरऑल सड़क सारी सूख गई है आज जब धूप निकलेगी तो इन ये सड़क मज़ीद सूख जाएगी दोस्तों गाँव में अगर ज़्यादा बारिश हो तो पानी जमा होता है अगर हल्की पुल्की बारिश हो तो पानी जमा नहीं होता क्योंकि ज़मीन कच्ची होती है और ये ज़मीन पानी को अपने अंदर जल कर लेती है तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा कि हमारे प्यारे गांव में बारिश के बाद सुबह का माहौल कैसा होता है विग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये विग पसंद आया होगा और अगर आपको हमारा ये विग पसंद आया है तो इसे लाइक करें शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी तो बरए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिस्सो हम में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखरत की इज्जतें और ख़ुशियाँ अदा करें अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा हमें अपने एक और पाक दो में याद रखिएगा रबरा खा